Hey what's up guys, I am Akash and now you are watching Byte Beta. Guys, बीते फरवरी में चिप मेकर क्वालकॉम ने अपकमिंग स्मार्टफोन की एक लिस्ट पब्लिश की जो कि स्नैपड्रैगन 865 आर्किटेक्चर को सपोर्ट करेंगे। उस लिस्ट में Asus Zenfone 7 एंड Asus ROG Phone 3 भी शामिल थे। सो इस बात से हम समझ सकते हैं कि Asus इस बार भी ROG Phone में मार्केट के सबसे पावरफुल चिपसेट का यूज़ करेगा। फिलहाल बीते दिनों में चाइनीज रेगुलेटरी एजेंसी ने ROG Phone 3 के डिटेल स्पेसिफिकेशन एंड रेंडर्स को पब्लिश किया। At first, we can see that ROG Phone 3 has a very similar design to the ROG Phone 2. New ROG Phone भी पहले की तरह same rectangular shape में होगा। Rear side पे camera array horizontal shape में होगा। साथ ही साथ rear side पे एक extra camera दिया गया है जो कि एक telephoto camera हो सकता है। And main camera को 64 megapixel sensor से upgrade किया गया है। Power and volume buttons phone के right side पे दी गई हैं, जबकि secondary USB Type-C port left side पे दिया गया है। और अगर बात करें स्पीकर्स की तो ड्यूल स्पीकर्स पहले की तरह ही फ्रंट पर दिए गए हैं। अब बात आती है डिस्प्ले की। इस फ़ोन में 6.59 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए ऑप्टिकल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। वेल, लीक्स में डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को तो लिस्टेड नहीं किया गया है, बट संभावना है कि ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। फ़ोन की डायमेंशन डिटेल से पता चलता है कि यह स्मार्टफोन काफ़ी मोटा है। और अगर मैं बात करूं इसके वेट की तो इसका वेट समथिंग 240 ग्राम्स है जो कि काफ़ी हैवी है। इंटरनली ROG Phone 3 मार्केट में आने वाला सबसे पावरफुल स्मार्टफोन में से एक होगा। फ़ोन में स्नैपड्रैगन 865 है जिसकी क्लॉक स्पीड 2.84 GHz है जो कि ओवरक्लॉकेबल है, यानी इसे हम 3.091 GHz तक रैंप अप कर सकते हैं। Samsung S20 Ultra एंड Nubia Red Magic के बाद ROG Phone 3 एक ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें रैम 16 GB तक होगी। स्टोरेज कैपेसिटी इसमें 128 GB से लेकर 512 GB UFS 3.0 स्टोरेज कैपेसिटी दी जाएगी एंड इस फ़ोन में कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगी। एंड वी नो वेरी वेल स्नैपड्रैगन 865 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। So this new ROG phone will support 5G connectivity thanks to the Snapdragon X55 modem. At the end मैं बात करूँ इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो ROG Phone 3 ROG UI के साथ Android 10 प्लेटफॉर्म पर रन करेगा। So guys, this is enough for this video. If you find this video is useful for you, so please like and share this video and don't forget to subscribe this channel.